Second part of anther is sporogenous tissue. स्पोरोजेनस टिश्यू क्या आता है, वो सेल्स जिन जो क्या करती हैं, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करती है, कि जो स्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करती है. द प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू गिव राइज टू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यानी टेप्टम के इनसाइड जो स्पोरोजेनस टिश्यू, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करता है. सम ऑफ द स्पोरोजेनस सेल्स मे रिमेन नॉन फंक्शनल एंड सर्व एज द फूड मटेरियल फॉर द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स. स्पोरोजेनस टिश्यू की कुछ सेल्स नॉन फंक्शनल होती है, यानी वो एज ए रिजर्व्ड फूड मटेरियल का क्या करती है, वर्क करती है. दे सर्व एज द फूड मटेरियल फॉर द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, यानी जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होती है उनके लिए एज ए क्या करती है, फूड मटेरियल का वर्क करती है. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स विद सेपरेट आउट टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स. जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है उनके अंदर क्या होती है, मियोसिस होगी, और मियोसिस होने से क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होगी. यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, यानी इनके अंदर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. जब ये डिप्लॉयड सेल्स मियोसिस डिवीजन होगी इनके अंदर, तो क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होगी, यानी पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है. जनरली जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, विथ सेपरेट आउट टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स. The process of formation of microspores from the microspore mother cells is called microsporogenesis. यानी जो microspore formation की process होती है microspore mother cells, हम उसे क्या बोलते हैं, microsporogenesis. Microsporogenesis क्या होती है, microspore formation की process को क्या बोलते हैं, microsporogenesis. और microsporogenesis किस cells के अंदर होती है, जनरली जो microspore मदर सेल्स होती है वो क्या करती है, पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करती हैं. डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ वॉल फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, पोलन ग्रेन्स में बी फॉर्म्ड एज, यानी जब साइटोकाइनेसिस होती है यानी पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, तो उस टाइम पे जो वॉल फॉर्मेशन होती है डिफरेंट पोलन ग्रेन्स या सेल्स के बीच में, उसके बेस पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर टू टाइप की डिवीजन होती है. जनरली एक होती है सक्सेसिव टाइप वॉल फॉर्मेशन एंड सेकेंड टाइप होती है साइमल्टेनियस टाइप वॉल फॉर्मेशन. इन द सक्सेसिव टाइप ऑफ वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकेंड डिविजन, दिस टाइप ऑफ डिविजन इन कॉमनली प्रेजेंट इन द मोनोकोर्स. यानी सक्सेसिव टाइप ऑफ वॉल फॉर्मेशन में क्या होता है, जो वॉल फॉर्मेशन होती है जनरली वो फर्स्ट एंड सेकेंड डिविजन की, यानी जैसे जो फर्स्ट डिविजन हुई सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर, तो उन डिविजन के बाद तुरंत क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन होती है. उसके बाद सेकेंड डिवीजन के बाद भी क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन होती है. ये कैसे होती है, सक्सेसिव टाइप वॉल फॉर्मेशन. और ये कॉमनली किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मोनोकोट्स में. यानी जो सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है या फिर पोलन फॉर्मेशन है, उसके अंदर क्या होता है, जो वॉल फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन के बाद होती है जनरली. एंड सेकेंड टाइप ऑफ डिवीजन इज साइमल्टेनियस टाइप. साइमल्टेनियस टाइप क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस नो वॉल इज फॉर्मड आफ्टर मियोसिस वन ऑल दो फ्रेगमोप्लास्ट में अपियर. यानी साइमल्टेनियस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में या साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट के बाद कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि सक्सेसिव में क्या था, फर्स्ट डिवीजन के बाद क्या हुआ था, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई थी. ऑल दो द फ्रेगमोप्लास्ट में अपियर, यानी मियोसिस फर्स्ट के बाद फ्रेगमोप्लास्ट में अपियर, बट इसके अंदर क्या नहीं होता है, जनरली जो वॉल फॉर्मेशन वो नहीं होती है. द वॉल्स आर लेड डाउन अमंग द फोर न्यूक्लियाई साइमल्टेनियसली बाय फॉलोइंग मेथड. यानी इसके अंदर वॉल फॉर्मेशन कब होती है, जब फोर टेट्राड की फॉर्मेशन होती है, तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, फिर सेकंड आफ्टर टू डिविजन्स इसमें क्या होता है, जो वॉल की फॉर्मेशन होती है बाय फरोइंग मेथड. दिस टाइप इज मोर कॉमन इन द डाइकोटिलेडनस प्लांट्स. ये साइमल्टेनियस टाइप की जो डिविजन होती है ये डाइकोटिलेडनस प्लांट्स के अंदर होती है. एंड सक्सेसिव टाइप की जो डिविजन होती है वो जनरली मोनोकोट्स के अंदर होती है. सी फर्स्ट क्या है, दिस इज द साइटोकाइनेसिस, यानी डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन द मेलिलोटस एल्बा. ये क्या है, साइमल्टेनियस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस. यानी जो साइमल्टेनियस टाइप होती है उसके अंदर जनरली कैसा होता है, ये क्या है, एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी, इसने क्या किया, इसके न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, यानी टू न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई. फिर इससे क्या हुआ, ये जो टू सेल्स या टू न्यूक्लियस थी, इसने क्या किया, फर्दर डिवाइड करके फोर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर दी.
और ये जो फोर न्यूक्लियस स्पोर पोलन ग्रेन का टेट्राड है, इसके अंदर बॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है। ये सिंगल सेल थी, इनके बीच में क्या नहीं हुई, बॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई। इसी तरह जो स्पोर का टेट्राड है, इसके अंदर भी क्या नहीं हुई, बॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई। लेकिन जब फोर टेट्राड बनती है, फोर सेल्स बनती है पोलन ग्रेन की, उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। यहाँ क्या हो गया, जो वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, और क्या हुआ, वॉल फॉर्मेशन से क्या हुआ, जो फोर स्पोर टेट्राड बने। ये क्या है, डिफरेंट, एक जैसे थ्री है एक इनके बैक बैक साइड में, तो क्या हो गया, टोटल फोर स्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद है पोलन टेट्राड्स, जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से फोर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। उनकी अरेंजमेंट के बेस पे क्या होते हैं, पोलर जो टेट्राड्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेट्रल, डेक्यूसेट, लीनियर, पोलिनियम या फिर टी शेप्ड होते हैं जनरली। फर्स्ट क्या है, टेट्राहेड्रल, इन दी टेट्राहेड्रल टेट्राड्स विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ साइमल्टेनियस डिविजन्स, फोर माइक्रोस्पोर्स लाई एट दी फोर कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। यानी टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ टेट्राड्स में क्या होता है, जो साइमल्टेनियस टाइप ऑफ द सेल डिवीजन होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जो वॉल फॉर्मेशन होती है वो एट द एंड ऑफ सेकंड डिवीजन होती है। एंड फोर माइक्रोस्पोर्स लाई एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन, जो फोर माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, वो जो फोर माइक्रोस्पोर है वो फोर टेट्राहेड्रॉन के फोर कॉर्नर पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। इन दिस केस ओनली थ्री माइक्रोस्पोर्स आर विजिबल एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट एट इट्स बैक। ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर थ्री टेट्राड स्पोर्स तो क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, और फोर्थ वन क्या होता है, बैक। जैसे ये क्या है, एक स्पोर टेट्राड है, ये क्या टेट्राहेड्रल है, इसके अंदर थ्री तो क्या है, विजिबल, और फोर्थ वन क्या है, इनके बैक साइड में प्रेजेंट है। तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ दी पोलन टेट्राड्स। सेकेंड टाइप है क्या है, आइसोबाइलेट्रल टेट्राड। आइसोबाइलेट्रल टेट्राड में क्या होता है, इन दिस टाइप विच इज फॉर्म ड्यू टू दी सक्सेसिव डिविजन, ऑल दी फोर माइक्रोस्पोर्स लाई इन दी वन प्लेन। यानी सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन होती है, आइसोबाइलेट्रल जो पोलन टेट्राड्स होते हैं, इनके अंदर सक्सेसिव डिवीजन होती है, और इसके अंदर जो फोर माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो वन प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। जैसे कि ये है, इसके अंदर क्या है, टोटल जो फोर माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो क्या है, विजिबल, यानी एक सिंगल प्लेन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ दी पोलन टेट्राड इज डेक्यूसेट। सच टाइप ऑफ टेट्राड्स हैव बीन रिपोर्टेड इन दी एट्रीप्लेक्स, मैग्नोलिया, क्रोकस एट्सेट्रा। यानी जो थर्ड टाइप है वो किसके अंदर, कौन सी स्पीसीज के अंदर देखा गया है, एट्रीप्लेक्स, मैग्नोलिया, क्रोकस, इनके अंदर डेक्यूसेट टाइप ऑफ द क्या देखा गया है, डेक्यूसेट टाइप ऑफ द स्पोर पोलन टेट्राड है। डेक्यूसेट टेट्राड क्या होता है, जिसके अंदर टू तो क्या होते हैं, टू जो पोलन्स होते हैं वो तो ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इसके नीचे एक प्रेजेंट होता है, एक क्या होता है, बैक साइड में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, डेक्यूसेट टाइप होता है, यानी टू अबो एंड टू 90 डिग्री पे उसके बिलो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है टी सेप्ड। टी सेप्ड पोलन टेट्राड्स आर प्रेजेंट इन दी एरिस्टोलोकिया, जो एरिस्टोलोकिया जीनस होती है उसके अंदर टी सेप्ड पोलन टेट्राड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो ऊपर की जो टू सेल्स होती है वो तो क्या होती है, पोलन सेल्स होती है, वो तो क्या होती है, साइमल्टेनियस मतलब सक्सेसिवली प्रेजेंट होती है, और उसके बिलो क्या प्रेजेंट होते हैं, टू अदर जो पोलन्स है, यानी टी शेप्ड होते हैं, दो ऊपर होती है ऐसे टी शेप्ड में, और दो उनके नीचे होते हैं। उसके बाद है लीनियर। लीनियर टेट्राड्स हैव बीन रिपोर्टेड इन दी हेलोफिला, जो लीनियर टेट्राड्स है पोलन टेट्राड्स वो हेलोफिला जीनस के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अंदर क्या होती है, जो फोर पोलन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक लाइन में अरेंजमेंट होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, लीनियर टेट्राड। जबकि जो आइसोबाइलेट्रल था उसमें क्या था, सिंगल प्लेन में था, लेकिन वो क्या था, उनकी अरेंजमेंट कैसी थी, जनरली टेट्राहेड्रल टाइप की अरेंजमेंट थी, यानी वो एक लाइन में प्रेजेंट नहीं थे, वो एक स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट थे। उसके बाद है पोलिनियम। इन दी एस्कल्पिडियेसी फैमिली ऑल द पोलन्स इन ए पोलन सैक आर यूनाइटेड इन ए सिंगल कॉम्पैक्ट मास कॉल्ड पोलिनियम। जो एस्कल्पिडेसी है या फिर आग की फैमिली है, मिल्क वीड फैमिली है, उसके अंदर एक स्पेशल करेक्टर प्रेजेंट होता है, यानी पोलिनियम प्रेजेंट होता है। पोलिनियम क्या होता है, इसके अंदर जो पोलन्स होते हैं वो एक पोलन सैक में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पोलन सैक्स होते हैं वो एक सिंगल कॉम्पैक्ट मास में यूनाइटेड होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, पोलिनियम। यानी ये जो पोलन टेट्राड्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पोलन सैक के अंदर, और ये पोलन सैक क्या होते हैं, एक सिंगल कॉम्पैक्ट मास में यूनाइटेड होते हैं, और इस मास को हम जनरली क्या बोलते हैं, पोलिनियम। जैसे ये क्या है,
पोलिनियम ऑफ कैलोट्रोपिस, यानी आर्क प्लांट का क्या आता है, पोलिनिया होता है। और ये क्या है, कॉर्पस्कुलम, यानी जो टू पोलन सेक्स प्रेजेंट होते यूनाइटेड होते हैं जिस स्ट्रक्चर से, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कुलम। और क्या होता है, इसके अंदर कॉर्डिकल प्रेजेंट होता है, यानी पोलन सैक की जो स्टाक लाइक पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्डिकल। ये क्या है, पोलिनियम ऑफ कैलोट्रोपिस। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोलन, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेट्रल, डाइक्यूसेट टाइप, डी शेप, लीनियर, पोलिनियम एटसेट्रा।